आज का जो टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। वेल, आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कॉनिक सेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? कॉनिक से क्या समझ में आ रहा है? कोन। मतलब जो भी आज हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं ये एक कोन का ही पार्ट है। और कितने सारे कोन इन्वॉल्व होंगे देखना, डबल कोन हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। और उसको काट काट करके जो पोर्शन बनेगा, जो सेक्शन बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं कॉनिक सेक्शन। अभी हम लोग डिटेल से एक एक चीज के बारे में सीखेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए क्या क्या अभी हम लोग को पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है जी? स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है ना, वो मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हो सकता है। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो m1 m2 इक्वल टू -1 का कंडीशन हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ गिवन पॉइंट, ये सारे के सारे कंसेप्ट देखना आपका यहां पर यूज होने वाला है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन में क्या क्या पार्ट पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा हम लोग को एक्साइटमेंट है। तो सबसे पहले देखिए, ये चार पार्ट हम लोग कॉनिक सेक्शन में पढ़ने वाले हैं जी। ये चार पार्ट, पहला सर्कल। जी हाँ, सर्कल भी कोन से ही निकल रहा है, ये कॉनिक का ही पार्ट है, कॉनिक सेक्शन सर्कल। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिप्स, नेक्स्ट पैराबोला, और एक पोर्शन पढ़ेंगे हाइपरबोला। पहले तो ये नाम सुन लो कि ये चार पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कैसे जनरेट होता वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। और देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये E इक्वल टू 0। अब ये E क्या है? यहां E इक्वल टू 1, चाहो तो नाम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो, ये ज्यादा आसान होगा। इधर पहले मैं पैराबोला लिख देता हूं और यहां पर इलिप्स लिख दिया, ठीक है, इलिप्स हो गया। यहां पर पैराबोला E का वैल्यू 1, यहां E स्मॉलर देन 1, यहां E ग्रेटर देन 1। और E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। ये सब हम लोग आगे अभी जाके पढ़ेंगे। ये तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया इसेंट्रिसिटी, लेकिन इसका फिजिकल डायग्राम में हम लोग कैसे समझेंगे, पिक्चर में कैसे समझना है, उसके बेसिस पे एक एक मैं अभी बात करने वाला हूं। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, E जब 0 होता है तो सर्कल होता है, E इक्वल टू 1 होता है तो पैराबोला होता है, स्मॉलर देन 1 होता है तो इलिप्स हो गया, और ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइपरबोला, और E का मतलब इसेंट्रिसिटी। अभी परेशान नहीं होना है, इसका एक एक मीनिंग आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, एक एक पार्ट अभी आपको बता दूंगा। तो पहले इतना लिख लीजिए, अभी तुरंत मैं इसका एप्लीकेशन भी बताता हूं कि कहां कहां इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एक और ध्यान से देखिएगा, ये जो दो मजेदार नाम आप देख रहे हो ना, यहां नोट करके लिख सकते हैं कि पैराबोला एंड हाइपरबोला, पैराबोला एंड हाइपरबोला वॉज गिवन बाई वॉज गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया था? अपोलोनियस, ठीक है, अपोलोनियस। ये दो नाम जो है ना, ये साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, इन्होंने दिया पैराबोला एंड हाइपरबोला। इस नाम को लिख लो। इसका अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन देखते हैं कहां कहां इस कंसेप्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन। पहले पता चल जाए कि इसका एप्लीकेशन बहुत ही ब्रॉड सेंस में होता है। जितने भी प्लेनेटरी मोशन है, जितने भी प्लेनेटरी मोशन है, उस मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जनरली इस कॉनिक सेक्शन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जनरली जो पाथ होता है, जब
प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो उसका पाथ जनरली क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, तो दैट इज कॉल्ड इलिप्स हो गया, क्लियर है। प्लैनेटरी मोशन डिजाइन ऑफ टेलीस्कोप, डिजाइन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, डिजाइन ऑफ टेलीस्कोप फ्लैश लाइट में यूज होता है, फ्लैश लाइट में आपको यहां पर यूज मिलेगा। ऑटोमोबाइल का जो बल्ब होता है, ऑटोमोबाइल बल्ब्स, ऑटोमोबाइल में जो बल्ब्स यूज होता है, या हेडलाइट कह सकते हो इसको, बल्ब्स रिप्लेस करके ज्यादा अच्छा हेडलाइट, वहां पर हम लोग कॉनिक सेक्शन का यूज करेंगे। अब आइए कि सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारे के सारे बनते कैसे हैं। पहले तो ये देखो, इसका एक एक बात बहुत कंसेप्ट के साथ मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन बनाया गया जिसका नाम एल रखा गया, और जो फिक्स है ना इसे हम लोग कहेंगे एक्सिस, ये हमारा एक्सिस हो गया। और उसके बाद एक लाइन क्रॉस करके बनाया गया जो एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं जनरेटर। वो शादी पार्टी वाला जनरेटर नहीं, जनरेटर का मतलब क्या हो रहा है कि ये मूव करेगा, ठीक है, ये कुछ ना कुछ जनरेट करेगा, जब मूवमेंट इसका होगा तो कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। अब देखिए इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, इस जनरेटर को क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ये चीज फिक्स रहेगी, ये जो एक्सिस है ना ये फिक्स है जी, ठीक है, ये फिक्स है, इसको फिक्स रखेंगे, इस जनरेटर को रिवॉल्व करेंगे, इस लाइन के अबाउट रिवॉल्व हम लोग करेंगे, कितने डिग्री के एंगल में जरा देखो, अल्फा, ये अल्फा आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, इसको इस तरह से घुमाना है, तो जब ये घूमेगा, जरा सोचो ये ऐसे करके घूमेगा तो पता है कैसा फिगर बनेगा, ऐसे 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 करके घूमेगा और घूमते घूमते देखो इस तरह का फिगर एक इधर बनेगा, और ये वाला जब इधर घूमेगा तो एक इस तरह का फिगर आपका बनेगा, बस समझ रहा ना, तो ये दोनों को जब ज्वाइन कर दो इस तरह से तो आपका एक डबल कोन बन जाएगा, ठीक है, डबल कोन बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको जब आप घुमाओगे तो ऐसा फिगर आपका बनेगा जिसमें ये वाला लाइन एक्सिस है, ये वाला लाइन जनरेटर है, इसको एम से रिप्रेजेंट किया गया, इसे एल से रिप्रेजेंट किया है, और जो ये भी है ना इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, और इसको जो हम लोग कहते हैं अपर नेपे, नीचे वाला को लोअर नेपे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो डबल कोन बन रहा है एक अपर नेप और जो दूसरा वाला है लोअर नेप बनता है, ठीक है। अब जैसे देखो, अब फिगर बनता कैसे है, खाली डबल कोन बनाने से काम चल जाएगा नहीं, अब इसको काटना पड़ेगा, जैसे कभी आलू से चिप्स बनाए हो, देखे हो आलू से चिप्स बनाते हुए, उसी तरह से यहां पर भी कुछ ऐसा ही काम करना है। एक प्लेन लाया गया, प्लेन कोई भी जैसे ब्लेड हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस प्लेन से इसको कोन को काटना है, और काटते वक्त क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रखना है, वो एंगल क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये तो अल्फा डिग्री एंगल इधर बनाओ या इधर बनाओ, मतलब सेम ही होगा, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैंने यहां पर अल्फा रख दिया था, ये मेरा क्या है जी, अल्फा है, ये अल्फा बनाया था मैंने, ये अल्फा है मेरा, और इस बार क्या है कि ये प्लेन आया है, ये प्लेन, और ये प्लेन जो है ना एक्सिस के साथ, देखो इसी एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, बीटा, ये अल्फा जनरेटर था, जनरेटर जो लाइन था, ठीक है, वो जनरेटर एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन, कमॉन प्लेन, इसी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, तो ये बीटा अब इसको कट करेगा, इस कोन को कट करता है, तो जब कट करेगा तो जिस जिस एंगल पे कट करेगा ना तो उसके हिसाब से हमारा क्या बनता चला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फिगर बनता चला जाएगा। अब जैसे देखो क्या क्या फिगर बनेगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या फिगर इसमें बनता जाएगा आपका। अब जैसे देखो, ये तो यहां पर दिया गया है, फिगर बनने के लिए क्या है कि जब बीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, तो सेक्शन कैसा बनेगा जी, सर्कल बनेगा, सर्कल, बीटा 90 का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बीटा 90 इसको कहते हैं हम लोग, ये देखो
एकदम ये एकदम जो प्लेन है ना डायरेक्टली ये देखो एक्सिस के साथ, शायद आप लोग को दिख रहा होगा और मैं बड़ा कर देता हूं, यहां देखिए ये बीटा हमारा कैसा है, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, किसके साथ एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ। तो जब एकदम सीधा सीधा पकड़ के काटेगा ना तो कैसा फिगर फेंकेगा, सर्कल टाइप का फिगर फेंकेगा आपका, ठीक है, सर्कल सर्कल बनता चला जाएगा। उसी तरह से यहां पर देखिए, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ होगा, ये मेरा सर्कल का देगा। लेकिन जब यही बीटा ग्रेटर देन अल्फा है लेकिन 90 से कम है, ध्यान से देखिए दूसरा कंडीशन इलिप्स कैसा बनता है, जब यहां पर बीटा ग्रेटर देन अल्फा लेकिन स्मॉलर देन 90 डिग्री बन रहा है, मतलब क्या है ना, ये जो बीटा तो बन रहा है इस बार 90 से छोटा, 90 नहीं है, 90 से छोटा है, लेकिन बड़ा किससे होगा जी, अल्फा से बड़ा होगा। मान लो कि अल्फा यहाँ पे 30 डिग्री है तो जरूर ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल आपका होना चाहिए। तो इस केस में जो एंगल आप यहां से जो कट करके निकलेगा, तिरछा कट करके निकलेगा, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। देखो कैसा फिगर मिल रहा है, यहाँ पे कैसा मिलेगा, तिरछा टाइप का, देखो इलिप्स, जबकि यहाँ पे कैसा फिगर मिल रहा है बताओ तो, ये सर्कल टाइप का मिलेगा आपका, ठीक है, ये सर्कल मिलेगा, ये कैसा मिलेगा आपका, इलिप्स मिलेगा। हमेशा ध्यान से रखिएगा कि जब बीटा का वैल्यू 90 से कम हो लेकिन अल्फा से अधिक हो तो हमेशा एक इलिप्स मिलेगा, ये हमारा फिगर जो है ना इलिप्टिकल फिगर मिलेगा, इलिप्स मिलेगा। उसके बाद आइए, जब बीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, देखो जी बीटा इक्वल टू अल्फा, इस बार पैराबोला मिलेगा आपको, यहां देखिए इस बार क्या हो रहा है कि ये जो बीटा बन रहा है, हेलो बीटा बन रहा है और ये जो अल्फा है, ये दोनों का वैल्यू सेम सेम है, बीटा इक्वल टू अल्फा, तो इस बार जो सिचुएशन बनेगा ये पैराबोला का बनेगा, ठीक है, पैराबोला का बनेगा। इस तरह का फिगर देखो बन रहा है, ये इसको कट करके निकाल रहा है और ये फिगर आपका बनेगा, ठीक है, ये फिगर आपको इस तरह से बनेगा, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। तो लगभग आपको शेप अब क्लियर हो रहा होगा कि सर्कल का शेप ऐसा मिलेगा, ये इलिप्टिकल फिगर मिलेगा, ये पैराबोला यू शेप का जो मिलता है ना, दिस इज कॉल्ड पैराबोला मिलता है। ये कब सिचुएशन आता है, जब अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, उस एंगल में अगर काटोगे ना तो देखना आपका जो शेप मिलेगा वो पैराबोला आपका मिलेगा। एक और कह रहा है जी, देखो यहां कह रहा है कि जीरो बीटा का वैल्यू जो या तो जीरो हो सकता है, बीटा कम ऑन बीटा, ठीक है, या अल्फा से छोटा हो सकता है। अब सिचुएशन देखिए, अभी तक जितना भी फिगर बनाया था ना सब ऊपर वाले नेप को काट रहा है, ऊपर वाला कोन को काट रहा है, सिर्फ एक ही कोन को काट रहा है, देख रहा है ये सारा का सारा ऊपर में ही खेल खेल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो गया, अब जरा सोचिए कि बीटा सिचुएशन कह रहा है कि ये बीटा ऐसा सिचुएशन, ये देखिए बीटा का वैल्यू जीरो, बीटा का वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया, बीटा क्या होता था, ये प्लेन था और एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, एक्सिस के साथ एंगल बनाने का मतलब बीटा जीरो हो गया, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। और जब पैरेलल होके गिरेगा, ऐसे आकर के गिरेगा तो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, दोनों पोर्शन को काट लेगा ये, ठीक है। या ऐसा भी हो कि बीटा का वैल्यू अल्फा से छोटा हो, छोटा भी होने से भी क्या दोनों जगह काटेगा, दोनों जगह काटेगा, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हुआ तो दोनों जगह इसको क्या करेगा, काटेगा। तो जब काटेगा तो देखो एक फिगर यहां से निकालेगा और एक फिगर इधर से निकालेगा। तो जब इस तरह का लगता है कि डबल पैराबोला टाइप का लगता है तो इसी को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं, हाइपरबोला। ये इस तरह भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, एक ऊपर से निकलता है एक नीचे से निकलता है, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म जब रहता है ना इसी को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरबोला। तो दो बोला पढ़ाया था, पैराबोला और हाइपरबोला, ये किसने दिया था, हाँ एपोलोनियस, ठीक है, उन्होंने दिया था ये कंसेप्ट, इसी दो कंसेप्ट, जो बोला बोला लगा हुआ है ना, बोला इबोला नहीं, इबोला नहीं, दैट इज बोला ओनली, ठीक है, यही देखिए। तो अब सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा का रोल क्या होता है, अल्फा का रोल क्या होता है। देख लीजिए कैसे करके हम लोग इसको जनरेट कर रहे हैं, तो इससे पता होना चाहिए, ये सब कभी कभी एक एक मार्क्स में पूछ सकता है कि कॉनिक सेक्शन कैसे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अल्फा क्या हो गया, अल्फा जनरेटर और एक्स एक्सिस के, ओनली एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैरा कोन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा। बीटा क्या होता है जी, प्लेन और एक्सिस के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड बीटा हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर सर्कल बनाना हो तो मुझे क्या करना होगा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन अगर इलिप्स बनाना हो तो 90 से कम लेकिन अल्फा से अधिक होना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन पैराबोला बनाना होगा तो दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, लेकिन हाइपरबोला बनाना होगा तो बीटा या तो जीरो से के इक्वल हो या तो अल्फा से छोटा हो, बस
इसी कंडीशन में हम लोग का ये सब फिगर कुछ कुछ बनेगा आपका, देखते जाइए। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा पैराबोला, ये जो डबल कोन था, डबल कोन का वर्टेक्स आपने देखा होगा, वर्टेक्स, ठीक है, आपने देखा होगा वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स में क्या हो रहा था ना, कि या तो इसको ऊपर कट कर रहा था वर्टेक्स, किया तो ऊपर कट कर रहा था वर्टेक्स, किया तो नीचे कट कर रहा था। क्या वर्टेक्स पे कट करके जा रहा था? नहीं जा रहा था। प्लेन को अगर वर्टेक्स पे कट करे तो क्या निकलेगा? सोचने वाली बात है, सोचो क्यों नहीं होगा, ठीक है। अगर वर्टेक्स के ऊपर कट करे या नीचे करे, अभी दो केसेस हमने देखा, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ये सारा का सारा निकल गया। लेकिन अगर वर्टेक्स पे ही चाकू चलाया जाए, मतलब जो भी प्लेन है उसे चलाया जाए, तो क्या होगा? अब सिचुएशन देखिए, यहां पे क्या होगा, तीन केसेस हम लोग यहां पढ़ने वाले, डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन, ठीक है, डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन, ध्यान से देखिएगा, डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन, ठीक है, जनरेट नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब सरफेस कट एट द वर्टेक्स ऑफ कोन, तो इसका मतलब अल्फा स्मॉलर देन बीटा स्मॉलर देन इक्वल टू 90, यही है ना, कि 90 से छोटा और अल्फा, मतलब अल्फा से बड़ा होना चाहिए, मतलब बीच ही में। अब जरा सोचो, 90 इक्वल भी हो सकता है, अगर इक्वल यहां से कट, मान लो कि ये कट करे इस तरह से, ये बीचों बीच मान लो कट कर दे इस तरह से करके, ठीक है, प्लेन अगर कट करता है, तो यहां से अगर पॉइंट कट करता है तो पता क्या निकलेगा, सिर्फ पॉइंट निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। जब प्लेन बीटा 90 की इक्वल हो या अल्फा से बड़ा हो और वहां से कट करके निकले, तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा बताओ, द सेक्शन इज अ पॉइंट, एक पॉइंट निकलेगा, बस समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो बीटा इक्वल टू अल्फा, ये सिचुएशन आपने कहां पढ़ा था, जब पैराबोला निकलता था, पैराबोला के केस में निकलता था, ठीक है। लेकिन जब, अब देखिए यहाँ का डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं, ये जरा सोचिए, देखिए ये सिचुएशन देखो, 90 यही है ना, 90 और अल्फा से बड़ा होगा, तो यहां जो भी निकलेगा क्या निकलेगा बताओ, यहां से पॉइंट निकलेंगे। लेकिन यहां पर जरा देखिए, इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो इस बार देखो अल्फा इक्वल टू बीटा और पॉइंट से होकर के, ये प्लेन कहां से कट करके जा रहा है जी, ये जो प्लेन है ना पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, तो पता है क्या, एक स्ट्रेट लाइन निकाल देगा ये वाला, ये जो पूरा का पूरा काट करके निकाल देगा। तो यहां से जो निकलेगा ना एसटी लाइन निकलेगा, एसटी लाइन, इसको कहते हैं इट इज अ डीजनरेटेड पैराबोला। यहां देखिए, यहां जो देख रहे हो ना, इट इज अ डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। जब अल्फा इक्वल टू बीटा होना चाहिए था तो पैराबोला, लेकिन जब पॉइंट से निकल रहा है तो वो क्या निकल जाएगा बताओ, स्ट्रेट लाइन निकलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। तो आपने देखा कि ये जो है डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। अब ये जरा सिचुएशन देखो कि जब बीटा का वैल्यू जीरो होता था और अल्फा से छोटा होता था तो ये हाइपरबोला बताया गया था, हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन जब ये पॉइंट से बीचों बीच अगर गुजरेगा, वो क्या था, पॉइंट छोड़ करके, ये वर्टेक्स को छोड़ करके गुजरता था। लेकिन अगर वर्टेक्स से अगर गुजरेगा तो पता है, एक ऊपर से स्ट्रेट लाइन देगा, एक नीचे से स्ट्रेट लाइन देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। यहां देखिए, इसको क्या कहेंगे, इसको जो कहेंगे पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसे करके दे या फिर तिरछा करके दे, ठीक है। ये देखिए, यही हमारा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। यहां देखिए, इस बार क्या है कि ये सिचुएशन में अगर ध्यान से देखोगे इस तरह के केसेस में, तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आपको यहां पर मिलेगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो इसी बात को खाली ध्यान दीजिएगा। और ये वाला क्या हो गया, हालांकि ये तो सिचुएशन हाइपरबोला का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन निकल जा रहा है, ठीक है, और वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन निकल जा रहा है, तो इसको कहते हैं डीजनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला, इसको कहते हैं हम लोग। पैराबोला के केस में क्या था, एक स्ट्रेट लाइन निकल रहा था, हाइपरबोला के केस में कितने निकलेंगे, दो स्ट्रेट लाइन लेगा। ये सिचुएशन कब होगा, जब एक पॉइंट से होकर के गुजरेगा, तब हम लोग इसको लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको लिख लीजिए।